भारतीय कुश्ती संघ को लंबे इंतजार के बाद नया अध्यक्ष मिल गया है। WFI का चुनाव 21 दिसंबर को संपन्न हुआ और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह ने अपनी विरोधी अनीता श्योराण के खिलाफ 40 वोट हासिल कर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा लिया है, जिसके बाद सांसद ब्रजभूषण सिंह के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और भाजपा सांसद को बुके देकर बधाइयां दी। आपको बता दें कि संजय सिंह की जीत के बाद जमकर आतिशबाजी की गई। दरअसल भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव काफी रोचक हो गया था। ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे से अध्यक्ष पद खाली चल रहा था, जिसके बाद 21 दिसंबर को चुनाव और नतीजों की घोषणा निर्धारित की गई। बता दें कि चुनावी मैदान में देश भर से एक महिला सहित दो लोग उतरे थे। एक नाम मूल रूप से चंदौली के रहने वाले संजय सिंह का भी था। भारतीय कुश्ती महासंघ का बॉस बनने के लिए मैदान में उतरे संजय सिंह की दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी। वहीं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव जीत गए। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी अनीता श्योराण को मात दे दी है। इससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी दावा किया था कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ही बनेंगे। बता दें कि संजय सिंह बबलू को कुश्ती का बहुत शौक है और वर्तमान में वे वाराणसी कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा वे कुश्ती संघ के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। इस दौरान वे कई बार संघ की कार्य समिति में भी शामिल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ का नेतृत्व करने के लिए विदेश दौरे भी किए हैं। कहा जाता है कि संजय सिंह बबलू ने पूर्वांचल की महिला पहलवानों को आगे लाने में अहम भूमिका निभाई है और संजय सिंह मूल रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रहने वाले हैं। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ वाराणसी में रहते हैं और संजय सिंह बबलू पिछले 1.5 दशक से अधिक समय से कुश्ती संघ से जुड़े हुए हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं। वे 2008 से वाराणसी कुश्ती संघ के जिलाध्यक्ष रहे और संजय सिंह को 2009 में राज्य कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लेकिन अब संजय सिंह ने अपनी प्रतिद्वंदी को हरा कर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।